छोटेलाल वर्मा, बीजेपी से छोटेलाल वर्मा कम से कम मेरे ख्याल से 50,000+ वोटों से विजयी होंगे। बीजेपी को ही वोट करेंगे और बीजेपी ही जीते, क्योंकि विकास के नाम पर वोट चल रहा है या जातिवाद के नाम पर वोट नहीं दिया जा रहा। सरकार बीजेपी की और कोई सरकार नहीं, काम बढ़िया हुआ है बीजेपी का। और देखो किसान के लिए यही है, मतलब ये राशन मिल रहा है। नमस्कार, मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज है। इसी कड़ी में हम और हमारी टीम पहुंच चुके हैं फतेहाबाद विधानसभा सीट, जो कि आगरा जनपद में पड़ता है। आपको बता दें, फतेहा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने गौतम सिंह निषाद अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने पुराने विधायक का टिकट काट नए प्रत्याशी यानी छोटेलाल वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर सपा की बात करें तो सपा ने रूपाली दीक्षित, जो कि MBA की हुई है, पढ़ी लिखी हुई है, उन्हें पर अपना दाव खेला है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ साथी हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर इस बार यहाँ की विधायकी किसे मिलेगी, कौन होगा जो इस बार विधायक बनेगा। तो हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी अजय। अजय जी, ये बताइए कि पिछले पाँच पहले कैंडिडेट पर चर्चा करते हैं, फिर 5 सालों पर जाएंगे। रूपाली दीक्षित, छोटेलाल वर्मा, गौतम सिंह निषाद और भाजपा के भी कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है इस बार किसका प्रभाव भारी है? जी छोटेलाल वर्मा, बीजेपी से छोटेलाल वर्मा कम से कम मेरे ख्याल से 50,000+ वोटों से मिले, क्योंकि बात यहाँ पे इंग्लैंड से MBA करने की नहीं है, बात आती है राजनीतिक स्तर पर, आपका क्षेत्र में किसका किसके सुख दुख में कौन रहा है कौन नहीं रहा है। उस लिहाज से देखा जाए तो छोटेलाल वर्मा जो है व्यक्ति के साथ में हर तरीके से हुए हैं। अभी तक क्षेत्र में इनका कहीं पे देखने को भी शक्ल नहीं मिलती थी, अब ये टिकट लेके आज जो है वोट मांग रहे हैं कि हमें वोट दिया जाए, और आज हार जाने के बाद में फिर से ये जो है प्लान कर जाएंगे। तो छोटेलाल वर्मा कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे, ये मेरा मानना है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत विकास कराया है। लोगों को देखो, घर घर राशन मिल रहा है, जहाँ सपा शासन काल में आपका 6-6 महीने हो जाते थे लोगों को राशन ही नहीं मिलता था, पता नहीं कब कहाँ से आ गया, कब चला गया, लोग कहते थे कि अभी आया ही नहीं राशन साहब। अगर यही देखा जाए बीजेपी सरकार में तो लोगों को एक मंथ में 2-2 बार आपको जो है अनाज पानी सब कुछ मिल रहा है। शौचालय देख लो, घर घर शौचालय बने हुए हैं, आपका जो है गैस कनेक्शन, जहाँ हमारी बहन बेटियाँ माताएँ जो है चूल्हे पर रोटियाँ पकाती थी और बहुत सारी दिक्कत झेलनी पड़ती थी उनको, तो उस लिहाज से देखा जाए तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और सपा का काफ़ी है इस वजह से विरोध है, क्योंकि जो मुखिया है अखिलेश यादव, ये जो है पाकिस्तान को अपना दुश्मन ही नहीं मानते हैं, जिन्नावादी सोच रखते हैं, ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन ही नहीं। तो भाई साहब किस हिसाब से हमारा दुश्मन नहीं, जिसने हमारे साथ इतना अन्याय किया सब कुछ होने के बाद भी, अगर उनका बस चले तो वो जो है आपके एक कसाब और याकूब मेमन जो थे हमारे आतंकवादी जो आए थे पाकिस्तान से यहाँ पर, ये उनको भी टिकट देंगे इनका बस चले तो। इसीलिए हिंदूवादी सनातन धर्म की वजह से सारी क्षेत्र की पब्लिक जितनी भी है, सारे के सारे लोग बीजेपी को ही वोट करेंगे और बीजेपी ही जीते, क्योंकि विकास के नाम पर वोट चल रहा है या जातिवाद के नाम पर वोट नहीं दिया जा रहा है। तो बीजेपी ने बहुत काफ़ी विकास कराया है। अभी मैं अगर बीजेपी के विकास के बारे में अगर गिनाना चाहूँ तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी। नहीं, आपने विकास की बात की, बीजेपी की बात की, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जितेंद्र वर्मा का टिकट कट गया? नए प्रत्याशी पर क्यों दाव खेली पार्टी ने? नए प्रत्याशी पर इसलिए खेला क्योंकि जो जितेंद्र वर्मा है इनका बीजेपी का एक सर्वे होता है, तो ये उसमें फेल हुए थे, और कुछ लगा कि सरकार को भी लगा कि हाँ ये हमारे प्रत्याशी सही नहीं है। और बीजेपी से जो है आपके छोटेलाल वर्मा काफ़ी उन्होंने साथ दिया, पूरे 5 साल रहे सरकार के अंदर में, और उनके लोकप्रियता को देखते हुए, व्यक्तित्व को देखते हुए उनका टिकट काटा गया और माननीय छोटेलाल वर्मा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मान जी, ये बताइए कि किस तरह से विकास हुआ पिछले 5 साल में? बढ़िया विकास हुआ सब बीजेपी में विकास हुआ। सरकार के काम से खुश हैं? सरकार के काम से खुश हैं आप? हाँ, सरकार के काम से हम खुश हैं। और भी कुछ लोग हैं जी, क्या नाम हुआ? सर पिछले कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना में सब लोगों को बहुत दिक्कत हुआ, सरकार क्या कुछ मदद की आप लोगों को कोरोना काल में? सरकार ने लगवाई फी लग गई। विकास कैसा, बीजेपी की विधायक थे, कैसा काम किए थे 5 साल में? बढ़िया काम किया। बढ़िया, क्या क्या राशन मिलता है? बराबर मिलता है।
क्या बता रहे हैं, राशन उशन मिल रहा है मशक के? क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आएगी, क्या सरकार वही आएगी बीजेपी की और कोई सरकार नहीं आएगी? क्या है बीजेपी की सरकार ने सुविधा करी है, एक सुविधा करी है, कई बात की सुविधा ना करी, हर एक चीज़ की सुविधा करी है। हमारे संग दो है बीजेपी ने सिख बात का है, एक एक वोट बीजेपी की जाएगी। जन की और बता दी आपको क्या नाम हो गया आपका, क्या करते हैं? खेतीबाड़ी करते हैं। खेतीबाड़ी करते अभी आप किसान हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था किसान आंदोलन, सरकार ने बिल वापस भी ले लिया, आपको क्या लगता है कि जो आंदोलन चला था वो आंदोलन सही था? ये सब आंदोलन कुछ नहीं था, मतलब ये ऐसे ही था और मतलब किसानों को भड़काने के लिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और किसान मतलब बीजेपी के साथ है, योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ। क्यों बीजेपी के साथ है, क्यों योगी जी के साथ है? दिल्ली में एक साल तक लगभग जो है ये आंदोलन चली कि जो है किसान बिल वापस दिया गया, सरकार वापस हो गया, तो फिर भी आप लोग जो है बीजेपी के ही साथ हैं, क्यों? नहीं काम बढ़िया हुआ है बीजेपी, नहीं काम बढ़िया हुआ है बीजेपी का। और देखो किसान के लिए यही है, मतलब ये राशन मिल रहा है और किसानों के लिए तो मतलब ये यहाँ पर गाय ये गाँव को ज़्यादा चरती है ना, इससे ज़्यादा दुखी हैं ज़्यादा, मतलब किसान मतलब सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए थोड़ा। 5 साल अब ये हम जा रहे हैं कि और 5 साल और आए बीजेपी, थोड़ा मतलब परेशानी यहाँ पर यही है सबसे बड़ी। और भी कुछ लोग हैं महिला भी करें, क्या नाम है? बस बैठी पढ़ाई लिखाई। आप भी महिला हैं, ये बताइए कि क्या सरकार में बीजेपी के राज में योगी जी मुख्यमंत्री हैं उसमें कुछ काम हुआ है आप लोग? हाँ बहुत कुछ काम हुआ है। क्या जैसे आप लोग के लिए क्या हुआ? पढ़ाई के लिए हमें बहुत कुछ सुविधा मिली है मोदी से, बहुत कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए, और क्या चाहिए, बस यही चाहिए। बार बार ये आता है कि यूपी में जो है लड़की सुरक्षित नहीं है, योगी जी बार बार कहते हैं कि जो है हम आए तभी लड़की सुरक्षित है, क्या ऐसा भी है क्या? हाँ वैसे तो उनका मानना सही है, तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ के लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है अब की बार फिर से योगी की सरकार। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।